अस्सलाम वालेकुम, फूड किचन में शाइस्ता एजाज एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं। आज बनाने जा रहे हैं हम गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन किसको नहीं पसंद होते, सबको ही अच्छे लगते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए जो चीज़ें हमने ली हैं उनमें हमारे पास है 1.5 कप हमने मिल्क पाउडर लिया है, जो कि मैंने नीडो का लिया है, नीडो का बहुत बेस्ट रिजल्ट देता है। और 1.25 कप मैंने तकरीबन आधा कप समझ लें इसमें मैदा लिया है। चीनी ली है मैंने इसके अंदर 1.25 कप, 1 कप तकरीबन भर कर ले लिया चीनी। इलायची ली है मैंने, 4-5 इलायचियाँ ली हैं, आप चाहें तो एसेंस यूज़ कर लें और चाहें तो इलायचियाँ यूज़ कर लें, तो 5-6 इलायचियाँ ले लीजिएगा। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने मिल्क लिया है 1/2 किलो तकरीबन, जितना यूज़ होगा हम इसमें से यूज़ कर लेंगे। ये हम कढ़ाई हमने एक रख दी है, पैन रख लीजिए आप, उसके अंदर हमने 2 कप डाल दिया पानी का। और 2 कप पानी के साथ हम डालेंगे तकरीबन 1.5 कप लीजिएगा पानी का, 1.5 कप के साथ हम डालेंगे 1 कप चीनी, क्योंकि जितनी चीनी है उससे बस 3 गुना पानी डलेगा। 1 कप चीनी है तो हम उसका थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालेंगे, 1.5 कप डाल दिया हमने। इसको हम इलायची डाल देंगे, छोटी इलायचियाँ खोल के इसमें डालेंगे, बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए। और खोल के डाल दीजिए, आपको अगर ज़्यादा कम इसकी खुशबू पसंद हो, ज़्यादा ना पसंद हो, तो इसको बंद ही डाल सकते हैं। सारी इलायचियाँ मैंने डाल दी हैं, इसको हल्का सा मैंने हिला दिया और चूल्हा जला दिया। तो इसको हम इतना ही पकाएंगे कि बस तार ना बने, ठीक है। तो इसको हम जस्ट एक बॉयल आने के बाद थोड़ा सा पका लेंगे और उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। ये चाशनी हमारी उबाल आ गया, इसको एक बॉयल आने के बाद आप इसको देखें, थोड़ी थोड़ी चिपक होनी चाहिए बस, ज़्यादा तार वगैरह ना बने। तो चाशनी हमारी तैयार है, चूल्हे को हम बंद कर देंगे, इधर आ जाएंगे। हमने वो तमाम चीज़ें 1.5 कप दूध, सूखा दूध और 1/2 कप मैदा लिया था उसमें, और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर डाला है, सोडा नहीं डालिएगा, बेकिंग पाउडर डालना है हमने 1 स्पून छोटा वाला, ठीक है। और उसके अंदर हम डालेंगे 4 चम्मच घी, इसको हमने गूंद लिया है, ठीक है, उसी में घी के अंदर ही इसको अच्छे तरीके से हम, ये हमने मिल्क जो लिया था दूध, हमने 1/2 किलो पूरा नहीं लगेगा उसको, हमने वैसे ही दिखा दिया था, इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर हम इसको गूंदेंगे। पहले इसको घी को और तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इसको थोड़ा थोड़ा दूध डालकर गूंद लेंगे और हल्का सा ऑयल का हाथ लगा कर, ये देखें जी, वेलकम बैक। डो हमारी तैयार हो चुकी है, बहुत ही समोची डो हमने तैयार की है। अभी हम इसके पेड़े बनाते हैं छोटे छोटे, पहले हम इसको पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से ये होता है कि हमारे गुलाब जामुन जो होते हैं वो तमाम एक ही साइज़ के बनते हैं, छोटा बड़ा साइज़ नहीं होता। हम इसको पोर्शन में तैयार डिवाइड करते हैं, इसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं कि कितने हमारे गुलाब जामुन तैयार हुए और किस तरह से तैयार हुए। पेड़े हमारे तैयार हो गए, अब हमने बहुत सारा ऑयल लेना है और उसके अंदर हमने इनको हल्की सी आंच के अंदर पहले फ्राई करना है और इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं है हमने, ठीक है। बस कढ़ाई हिला हिला के इसको, ये देखें, बस कढ़ाई हिला हिला के तैयार करेंगे। 5 मिनट तक इसका कलर आने देंगे, 5 से 7 मिनट लग जाएंगे, ये देखिए जी कलर हमारा आ गया। अब हमने इसे निकाल के चाशनी में डाल दिया है, चाशनी में इसको हम, आप कम से कम 2 घंटे पड़ा रहने दीजिएगा और ज़्यादा देर की तो ज़्यादा अच्छा। ये देखिए जी, वेलकम बैक। 2 से 2.5 घंटे हमने इनको रखा है शीरे में भिगो के, अब हमने इनको निकाल लिया, माशाल्लाह से बहुत ही गुड लुकिंग तैयार हुए हैं। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। अपनी दुआ में याद रखिएगा, शाइस्ता एजाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।